हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ये फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया था लास्ट। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के सारे ही पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अच्छे पॉइंट्स इन्होंने इस एक ही क्वेश्चन में काफी अच्छे पॉइंट डाले हैं। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का हमारा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो हमारा इसमें फिफ्थ पॉइंट है क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन। जो हमने सोहन को मशीन सेल की थी, हमने देखो क्या सेल किया था, मशीन टू सोहन। कितने में सेल किया था? 1700 में। वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक, हमने उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया। कितना रिकॉर्ड किया है, अमाउंट भी गलत कर दिया, अमाउंट लिख दिया हमने 7100, वैसे एक्चुअल में अमाउंट था 1700। तो देखो यहाँ पर हमसे मिस्टेक क्या हुई है, पहले तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है। एक्चुअल ट्रांजेक्शन क्या थी, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन, हमने सोहन को मशीन सेल की थी। देखो जब हम मशीन सेल करते हैं तो मशीन हमारा एक तरीके का फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट जब हम परचेज या सेल करते हैं तो फिक्स्ड एसेट के फिक्स्ड एसेट को उसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं। मान लेते हैं हमने मशीन परचेज की होती तो हम मशीन अकाउंट डेबिट करते। ठीक है, परचेज या सेल्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कब होता है, जब हम गुड्स सेल करते हैं, तो मशीन हमारे लिए गुड्स नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखो मशीन सेल की थी, तो मशीन सेल करने की जो करेक्ट एंट्री थी वो क्या है, रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी, फिर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो रेक्टिफाई करने के लिए पहले हमें करेक्ट और रॉन्ग एंट्री का पता होना जरूरी है। तो अगर मैं बात करती हूँ करेक्ट एंट्री की, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन, तो क्या एंट्री हमारी यहाँ पर होनी चाहिए थी, हमने देखो मशीन सेल की है ना, तो हम सोहन को तो डेबिट करेंगे क्योंकि उधार में सेल किया है, तो सोहन का अकाउंट तो डेबिट होना ही है। अब क्योंकि मशीन सेल की थी तो यहाँ पर हमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करना था, हमें यहाँ पर क्रेडिट करना था किसको, मशीन अकाउंट को। समझ रहे हो, क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट सेल किया है, तो फिक्स्ड एसेट जब सेल या परचेज करते हैं तो उसको उसके नाम से डेबिट और क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक्चुअल में 1700। हमने लेकिन गलती क्या कर दी, वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब समझते हो, हमने उसको सेल्स मान लिया, हमने उसको क्या मान लिया, जैसे कि हमने हमने कुछ अपने गुड्स सेल किए हैं जबकि हमने मशीन सेल की थी, तो सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग कर दी, तो हमारी क्या एंट्री हो गई होगी, उसका इफेक्ट क्या आया होगा, सोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमने उसको सेल्स ट्रीट कर लिया, और ऊपर से हमने क्या गलती कर दी, अमाउंट भी गलत लिख दिया 7100। ठीक है, तो अब मुझे देखो रेक्टिफिकेशन करना है। यहाँ रेक्टिफिकेशन का क्या तरीका है, पहले तुम रॉन्ग एंट्री में ये देखो कि करेक्ट और रॉन्ग दोनों को हमें एक साथ कंपेयर करना होता है। पहले हम चलो सोहन की बात करते हैं, सोहन को करेक्ट एंट्री में 1700 से डेबिट करना था और हमने कितने से डेबिट कर दिया, 7100 से, तो हमने तो ज्यादा डेबिट कर दिया। तो मुझे सही करने के लिए क्या करना होगा, सोहन को क्रेडिट करना होगा कितनी अमाउंट से, जितना हमने उसको एक्सेस डेबिट कर दिया। तो पहले मैं सोहन को क्रेडिट कर देती हूँ, देखो हमें 1700 डेबिट करना था और हमने कर दिया 7100, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है, 7 4 और ये कितना हो जाएगा, 6 में 7 गया 5 54। हाँ, तो 5400 रुपीज हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे सोहन को, क्योंकि हमने ज्यादा अमाउंट डेबिट कर दिया। अब देखो हमें मशीन अकाउंट क्रेडिट करना था जो कि हमने नहीं किया, तो हम मशीन अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि मशीन अकाउंट को क्रेडिट करना भी जरूरी है, तो वो कितना हो गया, 1700। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो हमने सेल्स अकाउंट बिना मतलब की क्रेडिट कर दिया, ये तो बिना मतलब क्रेडिट हुआ है ना सेल्स अकाउंट, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट पूरा 7100 से। अब तुम देखोगे ना, कंपेयर करोगे तो तुम्हारी ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएगा रेक्टिफाई एंट्री में भी, 7100 और इन दोनों का टोटल करते हो तो वो भी 7100। तो हमारी क्या एंट्री बनी है, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स बिना मतलब क्रेडिट हो गया था,
सोहन को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि सोहन का अकाउंट ज्यादा अमाउंट से डेबिट हो गया था टू मशीन अकाउंट. एक्चुअल में मशीन को क्रेडिट करना था इसलिए हम मशीन को भी क्रेडिट करेंगे. ठीक है, तो ये है यहाँ पर हमारी एंट्री कंप्लीट होती है. तो हमें मेन चीज है करेक्ट और रॉन्ग एंट्री समझ में आनी चाहिए. वो समझ में आ जाती है तो रेक्टिफिकेशन करने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, एक लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका. ये भी काफी अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, 6 पॉइंट. बिल रिसीवेबल. देखो बिल्स वाला चैप्टर, इससे पहला चैप्टर शायद बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही था. हमने वो लास्ट क्लास मतलब इससे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही कंप्लीट किया है, उसी का ही ये जर्नल एंट्री उसी चैप्टर के लिए इन्होंने. ठीक है, तो तुमने किया हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? यस मैम, स्कूल में हुआ है. ओके ठीक है, तो देखो ये देखते हैं. बिल रिसीवेबल फॉर ₹5,000 एक्सेप्टेड बाय महेंद्र. महेंद्र ने बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया था. अब देखो हमसे क्या गलती हुई है, रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महेंद्र एज कितना, ₹4,600. मतलब क्या है इस लाइन का, देखो एक बिल रिसीवेबल था जो कि महेंद्र ने एक्सेप्ट किया था. महेंद्र ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, मतलब कि हमने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया होगा, उसने एक्सेप्ट किया होगा. हमारे लिए वो बिल्स रिसीवेबल था, लेकिन हमने गलती क्या कर दी, हमने उसको ट्रीट कर लिया एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महेंद्र. इसका मतलब समझते हो कि जैसे कि हमने महेंद्र को एक्सेप्टेंस दिया, मतलब कि जैसे वैसे तो वो महेंद्र ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन हमने उसको ट्रीट कर लिया कि जैसे हमने महेंद्र की एक्सेप्टेंस ली हो, मतलब महेंद्र ने हमारे ऊपर ड्रॉ किया है. हमने उसको ट्रीट कर लिया कि हमने महेंद्र को एक्सेप्टेंस दी है, मतलब कि हमने उसको मान लिया ये हमारे लिए बिल्स पेबल. समझ रहे हो दोनों चीजों में मीन डिफरेंस क्या है? हाँ, तो वो एक्सेप्टेंस वैसे तो महेंद्र ने ली थी, लेकिन हमने उसको ट्रीट कर लिया एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महेंद्र, जैसे कि हमने एक्सेप्ट किया हो. अगर हमने उसको एक्सेप्ट किया होता तो वो हमारे लिए बन जाता बिल्स पेएबल. जो बिल एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेएबल होता है, और जो ड्रॉ करता है उसके लिए बिल रिसीवेबल होता है. तो यहाँ पर वो एक तरीके से हमसे गलती हुई है क्या, करेक्ट एंट्री में तो वो बिल्स रिसीवेबल था, बट हमने उसको ट्रीट कर लिया एज बिल्स पेएबल. ठीक है, तो हम करते हैं. देखो अगर वो बिल्स रिसीवेबल था तो क्या एंट्री होती है, जब हम बिल रिसीवेबल मानते हैं उसको, तो करेक्ट एंट्री हमारी एक तरीके से क्या होनी थी, जब सामने वाला बंदा बिल एक्सेप्ट करके हमें देता है तो हम अपनी बुक्स में करते हैं बी आर अकाउंट डेबिट टू महेंद्र अकाउंट. हम डेटर को क्रेडिट कर देते हैं और बीआर को मतलब बिल रिसीवेबल अपनी बुक्स में डेबिट कर लेते हैं. ये एंट्री थी हमारी 5000 की. कितने की थी? 5000 की. लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने उसको ट्रीट किया है एज अ बिल्स पेएबल, जैसे हमने एक्सेप्ट किया हो, हमने उसको ऐसा ट्रीट किया है. तो बिल्स पेएबल की एंट्री क्या होती है, जब बिल्स पेएबल हम किसी का बिल एक्सेप्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पार्टी को डेबिट कर देते हैं और बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट करते हैं. सॉरी. तो देखो यहां पर क्या होगा, हमने उसको ट्रीट कर लिया एज अ बिल्स पेएबल, तो हमने रॉन्ग एंट्री ये पास कर दी. समझ रहे हो, वो भी अमाउंट गलत लिखा है उसमें भी, 6000 रुपीज लिख दिया. अब इसको मैं रेक्टिफाई कैसे करूं, अब देखो कंपेयर करो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को. जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर देंगे, जो बिना मतलब डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर देंगे, जो क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर देंगे. मतलब कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा. देखो कैसे करेंगे मैम, बिल्स पेएबल अकाउंट तो फालतू में डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है. हाँ, तो बिल्स पेएबल को तो हमें डेबिट करना होगा. तो बिल्स पेएबल हो गया 6000 से डेबिट, पूरा पूरा डेबिट हो जाएगा. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होना था, है ना, तो बिल्स रिसीवेबल को इसलिए डेबिट करेंगे. यस मैम. कितने से? 5000 से. अब देखो महेंद्र को कंपेयर करो, महेंद्र को हमें करेक्ट एंट्री में क्रेडिट करना था 5000 से, हमने उल्टा क्या कर दिया, हमने महेंद्र को डेबिट कर दिया. तो मुझे अब महेंद्र को क्या करना पड़ेगा, महेंद्र को क्रेडिट करना पड़ेगा. देखो कितनी अमाउंट से करना पड़ेगा बताओ, कितना होना चाहिए, क्योंकि कोई अमाउंट थी, कोई अकाउंट था जो कि 5000 से क्रेडिट होना था, हमने उसको उल्टा डेबिट कर दिया.
तो देखो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6000 प्लस 5000. ये 6000 किस लिए? क्योंकि हमने 6000 से डेबिट किया, तो एक 6000 तो इसलिए क्योंकि डेबिट वाला इफेक्ट खत्म करना था, प्लस 5000 इसलिए क्योंकि उसके अकाउंट में हमें 5000 बैलेंस दिखाना था. तो टोटल इसके अकाउंट में कितना हो जाएगा? 11000. तो मैंने इसका बाइफर्केशन दिखा दिया. 6 प्लस 5 हम क्यों करेंगे? क्योंकि 6 से हमने डेबिट किया था, 6 तो इसलिए क्रेडिट होगा अमाउंट, और 5 इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि 5 तो उसके में शो होना ही है ना टोटल में. तो वो बैलेंस जब उसके अकाउंट में आएगा तो कितना आएगा? 11000. तो ये हमारे यहाँ पर रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी. कोई डाउट इसमें? नो मैम. तो देखो ये थे हमारे टू साइडेड एरर्स, ठीक है, एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, जो हमने रिकॉर्ड करते टाइम गलतियां की थी, यानी कि या तो जर्नल एंट्री करने में गलती की है या फिर बुक्स बनाने में गलती की है, ठीक है. उसके बाद तुम्हारे इसमें नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो है एरर ऑफ पोस्टिंग के ऊपर. पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब हम लेजर बनाते हैं ना तो उसको बोलते हैं पोस्ट करना. मतलब हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज की या फिर बुक्स की पोस्टिंग करते हैं इनटू लेजर. तो सीक्वेंस हमारा क्या होता है? कोई ट्रांजेक्शन होती है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही क्या है, कोई ट्रांजेक्शन हुई उसको पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है, देन उसको रिकॉर्ड करना होता है, फिर उसकी पोस्टिंग करते हैं क्लासिफिकेशन करके. मतलब उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना. जब हमने कोई जर्नल एंट्रीज कर ली तो उसमें सारे अकाउंट मिक्सअप हो जाते हैं, तो उसके बाद ना क्लासिफिकेशन किया जाता है बाय प्रिपेयरिंग लेजर्स. तो लेजर क्या होता है? हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है. लेजर के बाद जो लेजर में बैलेंसेज आते हैं उनको हम उठाकर लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस में. ये हमारे स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग के. तो यहाँ पर मिस्टेक कौन से स्टेप में हुई है हमें ये पता होना चाहिए. लिखा हुआ है एरर ऑफ पोस्टिंग, मतलब हमने जर्नल एंट्रीज तो ठीक पास की होंगी, हमने गलती कहाँ की है? जब हम जर्नल एंट्री से लेजर बना रहे थे तो लेजर बनाने में कुछ गलतियां हुई हैं. तो लेजर की मिस्टेक को भी जर्नल एंट्री करके रेक्टिफाई किया जा सकता है. वो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं. तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल मिस्टेक्स के ऊपर हमें क्वेश्चंस दे दिए, आगे हमारे मिसलिनियस क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें सब कुछ मिक्सअप होगा फिर. तो एरर ऑफ पोस्टिंग देखते हैं कैसे एरर्स हैं. जो ये वाले एरर होते हैं ना इनको आइडेंटिफाई करना कभी कभी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो जाता है. तो अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलना है स्टार्टिंग से ही, वो मतलब फिर कंफ्यूजन नहीं होगा. जब मिक्स होके आएंगे ना क्वेश्चंस वहां पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है कभी कभी पोस्टिंग के एरर में, ठीक है. उसको कंपेयर करना, ये जनरली ये वन साइडेड एरर होते हैं, हमेशा नहीं कभी कभी. देखो लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू फॉलोइंग द टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स. लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में क्रेडिट सेल ऑफ ₹7500 टू किशन. ध्यान से देखना हमने क्या किया था, क्रेडिट सेल की थी किसको? 7500 की किसको? टू किशन. लेकिन हमने क्या कर दिया, वॉज पोस्टेड टू कृष्ण अकाउंट. किशन और कृष्ण में बहुत छोटा सा डिफरेंस है स्पेलिंग में. यस मैम. तो हमने गलती क्या कर दी, किशन को हमने सेल किया था बट हमने उसको पोस्ट कर दिया कृष्ण के अकाउंट में. तो देखो पोस्टिंग की मिस्टेक है ये, ध्यान रखना. यानी कि अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करती हूँ, सही वाली जर्नल एंट्री जो हुई भी होगी किशन टू सेल्स एंट्री हुई होगी, किशन टू सेल्स 7500. तो देखो जब हम फिर इसके बाद देखो जर्नल एंट्री में कोई मिस्टेक नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वाज पोस्टेड, यानी कि पोस्टिंग के टाइम की मिस्टेक है. जब पोस्टिंग हमने की तो हमने देखो किशन का लेजर भी बनाया होगा और सेल्स का लेजर भी बनाया होगा. तो सेल्स के लेजर में तो कोई मिस्टेक नहीं है, जो सेल का लेजर है वो ठीक बना है. सेल के लेजर में हमने देखो क्या किया होगा, क्रेडिट साइड में लिख दिया होगा बाय किशन, यानी कि सेल के लेजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है. हमने गलती कहाँ कर दी, हमें किशन का लेजर बनाना था, हमें पोस्टिंग तो करनी थी किशन के लेजर में लेकिन हमने पोस्टिंग कर दी कृष्ण के लेजर में. समझ रहे हो?
गलती कहाँ हुई है. तो देखो कृष्ण को हमने क्या कर दिया होगा, कृष्ण हमारी एंट्री में डेबिट हुआ था तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया होगा 2 sales 7500. तो कृष्ण तो बिना मतलब ही डेबिट हो गया ना. यस मैम. एक्चुअल में डेबिट कौन होना था, कृष्ण. तो देखो हम सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको जो बिना मतलब डेबिट हो गया उसको हम क्रेडिट कर देंगे. तो मैं कृष्ण को तो क्रेडिट कर दूंगी और जो एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए था किशन उसको हम डेबिट कर देंगे. कितनी अमाउंट है, अमाउंट में कोई मिस्टेक है ही नहीं. तो देखो okay. यहाँ पर हमारी एंट्री ये बनेगी, ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री है. तो मैंने तुम्हें लेजर बना के इसलिए दिखाया है कि इससे तुम्हें एक्चुअल में पता चल जाएगा मिस्टेक हुई कहाँ पर है. पोस्टिंग करनी थी किशन के अकाउंट में, जब हमने किशन के अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया तो उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस तक जाएगा ही नहीं. तो हमने एक्चुअल में क्या करना है, जिसको हमें डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट कर दिया और जिसको बिना मतलब ही डेबिट कर दिया उसको हम क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, तो किशन अकाउंट डेबिट्स टू कृष्ण अकाउंट कितना 7500. क्लियर है? यस मैम. अगर ऐसा क्वेश्चन मैम पहले वाले उसमें आता मतलब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, हाँ, तो वहां पर फिर हमारा सेल्स में भी कुछ ना कुछ एरर होता. ओके, समझ रहे हो? मतलब अब यहाँ पर देखो पोस्टिंग की मिस्टेक है ना, तो पोस्टिंग में वो सीधे सीधे बस ये बता रहा है कि किशन की जगह कृष्ण को हमने पोस्ट कर दिया, यानी कि सेल्स हमारा बिल्कुल ठीक होगा, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, फिर वहां पर क्या होता, अगर रिकॉर्डिंग की मिस्टेक होती तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फिर सेल्स में भी होती, जैसे कि हमने पीछे के अभी 6 points किए भी हैं पीछे वाले क्वेश्चन में. तो वहां पर देखो दोनों में ही प्रॉब्लम थी. ठीक है, तो लैंग्वेज को हमें समझना है. अब देखो वहां पर तो नहीं बताएगा कि ये पोस्टिंग की मिस्टेक है या रिकॉर्डिंग की थी, वो तो हमें खुद से समझ ली है. ठीक है, इतने क्वेश्चंस करोगे तो आ जाएगा आराम से. अब देखो नेक्स्ट में क्या है, कैश सेल ऑफ ₹77,000 टू मीनू. हमने मीनू को कैश सेल किया था, किसको, मीनू को. जब कैश में सेल करते हैं तो क्या होता है, क्या एंट्री पास होती है, मीनू टू सेल्स. फिर मीनू को डेबिट नहीं करेंगे हम, फिर तो हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे. मीनू का नाम हमारी बुक्स में कब आता है, जब हमने क्रेडिट में सेल किया होता. यहाँ पर लिखा हुआ है कैश सेल, जब कैश में सेल किया तो फिर तो हमारे पास पैसा आ गया ना, फिर तो हम पार्टी को डेबिट करेंगे ही नहीं, उसको डेटर थोड़ी ना बनाएंगे फिर. तो कैश सेल टू मीनू कितना है, 7000. वॉज पोस्टेड, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, वॉज पोस्टेड टू द, भी ऐसे ही होगा, मीनू जो मीना फालतू में क्रेडिट हुई है उसे डेबिट कर देंगे. हाँ, अभी देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं पहले एक बार. थोड़ा सा इसमें अलग है, थोड़ा सा इसलिए ध्यान से देखना पड़ेगा. ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, कैश सेल ऑफ 7000 टू मीनू. पहले मैं करेक्ट एंट्री कर देती हूँ क्योंकि हमारी एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. ठीक है, एंट्री में क्या होता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी. ठीक है, 7000. ओके, इसमें क्रेडिट सेल हुई है मीना की, उसमें कैश अकाउंट नहीं हुआ है. हाँ, हमने देखो क्या गलती कर दी, वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना, ऊपर से लिखा हुआ है मीना नाम सेल हुआ है. हाँ, यानी कि एंट्री तो ठीक ही होगी लेकिन जब वो पोस्टिंग कर रहे थे तो पहली बात तो मीनू के अकाउंट में भी पोस्ट नहीं होना था क्योंकि हमें तो कैश अकाउंट डेबिट करना था. उन्होंने क्या कर दिया, सेल्स तो ठीक ही होगा हमारा, वैसे तो कैश अकाउंट में पोस्टिंग होनी चाहिए थी. पोस्टिंग कौन से अकाउंट में होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट में. उन्होंने कैश की जगह मीना के, मतलब नाम भी कोई और ले लिया, समझ रहे हो, मीना के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी. और वो भी मीना को करते तो डेबिट तो करते कम से कम, डेबिट भी ना करके उसको क्रेडिट कर दिया. यस मैम. तो क्या हमने गलती की है यहाँ पर, मीना को बिना मतलब ही क्रेडिट कर दिया, यानी कि यहाँ पर लिख दिया बाय, क्या बोलू अब, बाय कैश लिखा होगा. ठीक है, 7000, यानी कि मीना बिना मतलब ही क्रेडिट हो गई. और क्रेडिट वैसे हमारा
अब यहाँ पर ना दो पॉइंट निकलते हैं. इन्होंने लिखा है कैश सेल टू मीना वॉज पॉजिटिव टू द क्रेडिट ऑफ कैश सेल टू मीनू वॉज पॉजिटिव टू द क्रेडिट ऑफ मीना. अब यहाँ पर ये अज्यूम कर सकते हैं क्या कि इन्होंने सेल्स की जगह, मतलब मैं यहाँ पर कैश का नाम भी नहीं लेती, मुझे यहाँ पर कंपेयर करना चाहिए कि क्योंकि इन्होंने मीना को क्रेडिट कर दिया ना, तो हम यहाँ पर ये अज्यूम कर सकते हैं कि सेल्स को क्रेडिट करने की जगह इन्होंने, मतलब इन्होंने इस बार सेल्स के अकाउंट में मिस्टेक की होगी. समझ रहे हो, क्योंकि मीना को क्रेडिट कर दिया और जबकि क्रेडिट किसको करना था, सेल्स को, यानी कि यहाँ पर लिखना था बाय कैश और इन्होंने कहां पर लिख दिया बाय कैश, मीना के अकाउंट में लिख दिया. लेकिन अगर हम मैम करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में वो करें तो सेल्स तो सही डेबिट हुआ है. नहीं देखो यहाँ पर ये जो पोस्टिंग वाली मिस्टेक्स है ना, ये यहीं पर आकर कंफ्यूजन क्रिएट करती है. इनके ना मतलब ज्यादातर टू व्यूज बन जाते हैं, तो ज्यादा सही कौन सा है ये देखना होता है. अब यहाँ पर लिखा है कि अगर ये यहाँ पर बोलते ना कि मीना को डेबिट कर दिया, तब हम एज्यूम करते कि कैश में गलती हो गई, सेल्स ठीक है. लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इन्होंने मीना को क्रेडिट कर दिया, तो मेरा ज्यादा सही पॉइंट क्या होगा कि सेल्स क्रेडिट करना था, उसकी जगह मीना को क्रेडिट कर दिया, मतलब कि सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग होनी थी और हमने उसको पोस्टिंग कर दिया इन मीना अकाउंट. समझ रहे हो, तो सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसको क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट कर देंगे, जो बिना मतलब क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर देंगे, यानी कि मीना को डेबिट कर देंगे. टू सेल्स अकाउंट. समझ रहे हो, मतलब मैं यहां पर ये एज्यूम करके चलूंगी कि कैश अकाउंट हमारा ठीक होगा क्योंकि इन्होंने मीना को क्रेडिट किया है. क्लियर है? यस मैम. अब देखो आगे देखते हैं. ये भी अच्छा पॉइंट है, ये चैप्टर थोड़ा ऐसा है इससे तुम्हारी जर्नल एंट्रीज भी रिवाइज हो जाएंगी क्योंकि इसमें हर एक टाइप की जर्नल एंट्री कवर की हुई है मैंने. थर्ड पॉइंट में लिखा है क्या, अमाउंट ऑफ रुपीज 1500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक by the proprietor for his personal use was debited to purchase account. हमने क्या किया था, देखो 1500 रुपीस विड्रॉ करे थे बैंक से किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए. तो देखो जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल होता है तो क्या एंट्री होती है हमारी, पहले मैं वो एंट्री ही पास कर देती हूँ. क्या एंट्री होती है हमारी पर्सनल यूज के लिए होता है, तो ड्रॉइंग्स करते हैं ना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. यस मैम. टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे विड्रॉ करें तो बैंक बैलेंस कम हो गया होगा इसलिए बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. ड्रॉइंग्स इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि पर्सनल यूज के लिए था. ठीक है, अगर ये हमारा पर्सनल यूज के लिए नहीं होता तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होता. तो देखो इन्होंने क्या कर दिया, एंट्री तो एक्चुअल में ये होनी थी, तो एंट्री तो ठीक ही की होगी बट गलती क्या हो गई, वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. मतलब की जब वो वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, समझ रहे हो, बैंक में कोई गलती नहीं हुई होगी, वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट मतलब कि ड्रॉइंग्स की जगह उन्होंने परचेज अकाउंट में पोस्टिंग कर दी होगी. yes, है ना, तो यानी कि वैसे तो ड्रॉइंग्स का लेजर बनना था ड्रॉइंग्स के लेजर में, है ना, लेकिन हमने परचेज अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, हमने ड्रॉइंग्स की जगह परचेज को डेबिट कर दिया. तो सही करने के लिए क्या करेंगे, जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर देंगे, यानी कि ड्रॉइंग्स अकाउंट हमारा डेबिट होना चाहिए था. टू परचेज, जो बिना मतलब डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर देंगे. क्लियर है? यस मैम. तो ये हमारी हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री. तो मेनली तो तुम्हें यही एंट्री करनी है, वो बाकी सब कुछ तो समझने के लिए रफ वर्क है. तो ये भी हमारा अच्छा पॉइंट था. सारे ही इन्होंने सेलेक्टिव सी एंट्रीज ली हुई है, ऐसे मतलब रिपीट नहीं कर रखी ज्यादा. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला भी अच्छा पॉइंट है. क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन फॉर रुपीज 1700 वॉज पोस्टेड एज 7100. यहाँ पर तो कुछ मिस्टेक हमारी क्या हुई है, देखो क्रेडिट सेल की गई थी. वैल्यूज में डिफरेंस है. तो यहाँ पर हमारा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि
दोनों ही अकाउंट में गलती हो गई होगी, क्योंकि ये नहीं बताया ना कि कौन से वाले में। हमने देखो फर्नीचर सेल किया था, ठीक है, 1700 का था और हमने उसको पोस्ट कर दिया एज 7100। तो देख लेते हैं किसको सेल किया था, मोहन को। तो एंट्री क्या पास हुई होगी, देखो फर्नीचर सेल किया है ना, तो जब हम फिक्स्ड एसेट सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट में नहीं जाता, वो फर्नीचर अकाउंट ही क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी हमारी, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, है ना। अगर ये होती सेल्स तो हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर सेल किया है तो हम फर्नीचर के नाम से लिखेंगे। तो अमाउंट था तो 1700, बट हमने क्या कर दिया, जब पोस्टिंग करी मोहन के अकाउंट में और फर्नीचर अकाउंट में, तो हमने 1700 की जगह 7100 लिख दिया। तो दोनों का डिफरेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, 5400 था, है ना, यही अमाउंट थी वहां। यस मैम। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ होगा, इफेक्ट क्या आया होगा, मोहन का अमाउंट, मोहन का जो अकाउंट है वो 5400 ज्यादा डेबिट हो गया, ऐसे ही फर्नीचर अकाउंट 5400 ज्यादा क्रेडिट हो गया होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि 1700 की जगह 7100 लिखा गया, तो ये ज्यादा अमाउंट से डेबिट हो गया होगा, ये ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट हो गया होगा। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, जो ज्यादा डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर देंगे, जो क्रेडिट हो गया ज्यादा उसको डेबिट कर देंगे। तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट कर दूंगी 5400 से, और मोहन का अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 5400। क्लियर है? यस मैम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, क्रेडिट सेल ऑफ ऑल्ड फर्नीचर टू बाबूराम वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। देखो यहाँ पर फर्नीचर की सेल की थी, तो गलती क्या हुई है, हमने जैसे अभी मैंने इस एंट्री में बताया ना, जब हम फर्नीचर सेल करते हैं तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, हमने कहाँ कर दिया उसको, वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, यानी कि फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करने की जगह हमने सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। एरर समझ में आया? यस मैम। मतलब फर्नीचर सेल किया था तो फर्नीचर को क्रेडिट करना था ना, हमने उसकी जगह सेल उसको क्रेडिट कर दिया, किसको, सेल्स को। सही करने के लिए क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दूं इसमें? यस मैम। सिंपल पॉइंट है, रेक्टिफिकेशन देखो कैसे होगा, सेल्स बिना मतलब क्रेडिट हो गया तो सेल्स इसलिए डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट एक्चुअल में क्या होना था, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट में तो कोई मिस्टेक थी ही नहीं, yes, तो सिंपल है, तो 3000 रुपीज आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो कुछ एंट्रीज ऐसे भी हैं जिनमें हम डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, जब पूरा चैप्टर कर लोगे तो तुम एक्सपर्ट हो जाओगे कि तुम डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री भी पास कर पाओगे इजिली। यस मैम। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, चेक ऑफ रुपीज 1280 रिसीव फ्रॉम फरीद वॉज डिसऑनर्ड एंड हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। देखो हमें किसी से चेक रिसीव हुआ था, जब हमें किसी से चेक रिसीव होता है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू फरीद, मतलब जब हमने रिसीव किया होगा। अब हुआ क्या था, ये चेक डिसऑनर हो गया, मान लेते हैं तुमने मुझे कोई चेक दिया, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया होगा। अब हुआ क्या, वो चेक डिपॉजिट किया तो उसके बाद में बैंक वालों ने डिसऑनर कर दिया, जब वो चेक रिजेक्ट हो गया बैंक से, तो मैं तुमसे वापस बोलूंगी ना कि वो जो तुम्हारा चेक था वो रिजेक्ट हो गया, तो तुम मेरी वापस से डेटर बन जाओगी उस केस में, समझ रही हो, मतलब जो मैंने चेक रिसीव करते टाइम एंट्री पास की होगी, डिसऑनर के टाइम पर क्या करते हैं, हम उस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, मतलब बैंक अकाउंट जो हमने डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट कर देते हैं और पार्टी को वापस से अपना डेटर बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पर करेक्ट एंट्री क्या होगी, चेक डिसऑनर होने की, फरीद को तो क्या किया जाएगा, वापस से अपना डेटर बना लिया जाएगा, क्योंकि उसका चेक डिसऑनर हो गया तो उससे हम फिर से चेक लेंगे, और जो हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया था उस टाइम पर, वो बैंक अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कितने रुपीज थे, 1280। तो ये तो थी हमारी एक्चुअल में एंट्री चेक डिसऑनर होने की, समझ में आई चेक डिसऑनर की एंट्री? यस मैम। अब लेकिन हमसे गलती क्या हो गई, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, हमने फरीद की जगह कौन से अकाउंट में डाल दिया वो पैसा, जब हमने लेजर बनाया, पोस्टिंग की मिस्टेक है, लिखा हुआ है हमने डेबिट कर दिया किसको, सेल्स रिटर्न अकाउंट को,
तो मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट का तो पता नहीं कहां से जिक्र आ गया, बिना मतलब ही डेबिट हो गया। रेक्टिफाई कैसे करेंगे हम? रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कर दो और फरीद को वापस से डेबिट कर दो, क्योंकि वैसे तो फरीद के अकाउंट को डेबिट करना था ना, लेकिन हमने उसको पोस्ट कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट में, जैसे हमें किसी ने सेल्स रिटर्न की हो, तो वो गलती से सेल्स रिटर्न में चला गया। समझ में आई? यस मैम। तो ये थे हमारे एरर ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। अब देखो जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें एक चीज है, इस टाइप के ना क्वेश्चन, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन में से कुछ कोई ना पॉइंट, कोई पॉइंट अगर हमें एग्जाम में 6 पॉइंट्स आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो उसमें से एक पॉइंट तो मैं ऐसा जरूर मिलेगा इस टाइप का, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। तो एक बार हम करते हैं इसके, इसमें 3 पॉइंट है टोटल, तो एक बार देख लेते हैं तीनों ही अच्छे हैं, क्योंकि जब तक हमारे स्पेशल क्वेश्चन आएंगे ना मिसलिनियस से पहले, वो तो मुझे मोस्टली कराने ही होंगे, क्योंकि वो तो एक बार की है ना मिसलिनियस में, तुम लोग खुद से ट्राई करना जो मिसलिनियस वाले होंगे। तो एक बार देख लेते हैं, सेल्स टू राम ऑफ रुपीज 143, हमने राम को सेल्स किया था कितने का? 143। तुम्हारे आगे क्वेश्चन ओपन है? यस मैम। अच्छा ओपन है तो फिर मैं उसको लिखती नहीं हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है सेल्स टू राम कितना था, देखो 143 का था, लेकिन हमने पोस्ट कर दिया कितना? पोस्टेड टू, ध्यान से देखना लाइन क्या लिखी हुई है, पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज अकाउंट मतलब सिर्फ राम की बात कर रहे हैं, सेल्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ राम के अकाउंट की बात कर रहे हैं। अमाउंट तो था 143, बट हमने उसके अकाउंट में 134 लिख दिया, यानी कि जब हमने राम को सेल्स की होगी तो हमारी एंट्री पास हुई होगी राम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस मैम, ये एंट्री पास हुई होगी 143 से, तो एंट्री तो ठीक हुई होगी, लेकिन जब हमने पोस्टिंग की तो हमने राम के अकाउंट में गलती की है, सेल्स में कोई गलती नहीं की, राम के अकाउंट में कितना लिख दिया? 143 की जगह 134 लिख दिया, मतलब कि हमने कम लिखा है, कितने रुपए कम लिखा है? 6 + 3 = 9 हो जाएगा, है ना, तो 9 रुपीज कम डेबिट हुआ है राम। तो मुझे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राम को और डेबिट करना पड़ेगा, कितने से? 9 रुपीज से। यस मैम, लेकिन मैं क्रेडिट क्या करूं? क्रेडिट करने के लिए कुछ है मेरे पास? क्या मुझे कोई और अकाउंट दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ गलती हुई हो कि मैंने राम की जगह किसी और अकाउंट जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर यही बात समझने की होती है कि जहां हमें कुछ और नहीं मिलता ना, कोई दूसरे अकाउंट में मिस्टेक नहीं होती, तो वहां पर अकाउंट आ जाता है सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी हमारी राम से अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 9 रुपीज से। यस, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेल्स टू राम ऑफ 143 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज, दोनों में सेम है, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर बता दिया डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 134, ऊपर बोल दिया था पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो हमने तो डेबिट ही किया ना, इसमें भी डेबिट ही होना था राम को। और सेकंड जो पॉइंट दिया हुआ है वो डिक्टो सेम है, बट लैंग्वेज चेंज कर दी, ठीक है। वहां पर स्पेशली बता दिया सेकंड पॉइंट में कि 143 की सेल थी डेबिटेड टू हिज अकाउंट, वहां पर स्पेशली बोल दिया कि उसके अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 134 से, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तो डेबिट ही किया है। yes, सही है, तो सेम एंट्री यही हो जाएगी, मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, यही एंट्री हमारी हो जाएगी राम से अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 9 रुपीस, है ना, क्योंकि अमाउंट भी सेम ले लिया इन्होंने, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया। देखते हैं थर्ड पॉइंट, लिखा हुआ है सेल्स टू राम 143, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने राम को सेल किया था कितने से? 143 से, यानी कि एंट्री तो हमारी वही हुई होगी, राम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 143, ये हमारी करेक्ट एंट्री थी, ठीक है। लेकिन जब हम पोस्टिंग कर रहे थे तो लिखा हुआ है क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, देखो जब राम का लेजर बनाएंगे हम,
जब हम राम का लेजर बनाएंगे तो हमें राम को डेबिट करना चाहिए था, हमें यहाँ डेबिट ही तो करना चाहिए था ना, टू सेल्स लिख कर 143 से, लेकिन हमने गलती क्या कर दी, हमने राम को डेबिट ना करके हमने इधर लिख दिया बाय सेल्स 134। समझ रहे हो तुम क्या मिस्टेक हुई है? वैसे तो राम को हमें डेबिट करना चाहिए था, जो ऊपर वाले एरर थे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में वो थे कि हमने राम को डेबिट ही किया है बट कम अमाउंट से किया है, यहाँ पर तो डेबिट भी नहीं किया, यहाँ पर तो डेबिट की जगह उसको क्रेडिट कर दिया। तो देखो मुझे सही करने के लिए राम को डेबिट करना पड़ेगा, राम को मैं कितने अमाउंट से डेबिट करूंगी, देखो जितना मैंने क्रेडिट कर दिया एक तो वो अमाउंट आएगा प्लस जितना वो एक्चुअल में डेबिट होना था यानी कि 143 वो अमाउंट आएगा। समझ में आ रहा है ये डबल अमाउंट क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि कोई अकाउंट अगर डेबिट होना है वो हमने क्रेडिट कर दिया तो एक बार डेबिट तो इसलिए होगा क्योंकि वो क्रेडिट हो गया, और एक और डेबिट वो इसलिए होगा क्योंकि जितना अमाउंट उसके अकाउंट में आना चाहिए उतना अमाउंट हम उसको दिखाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राम्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस तो मैं पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वन साइडेड एरर है हमारा, दूसरे अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं हुई, तो दूसरा अकाउंट हमारा बिल्कुल ठीक था। इन दोनों का टोटल कितना बनता है ये 277, तो राम को हम डेबिट करेंगे 277 से और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे 277 से। यस क्लियर है? तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस टाइप का एक ना एक पॉइंट जरूर आता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन एरर ऑफ पोस्टिंग का, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा नेक्स्ट आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में भी हमने काफी डिस्कशन किया है इसके ऊपर, कि कोई हमारा मान लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमने उसको ट्रीट कर लिया एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हमने ट्रीट कर लिया एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पर ना एक बेसिक सी बातें ध्यान रखना थोड़ी सी इस प्रिंसिपल में, जैसे हम कुछ फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं ना, तो पहली बात तो ये जब हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो उनको उनके नाम से लिखते हैं, मतलब कि अगर मान लेते हैं हमने मशीन परचेज की तो मैं यहाँ पर लिखूंगी मशीन अकाउंट डेबिट, मैं परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करूंगी, मैं वहां पर कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगी, मशीन अकाउंट डेबिट करूंगी। क्लियर है? दूसरी बात, अगर हम फिक्स्ड एसेट को परचेज करते टाइम उससे रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, कौन किस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ परचेज, जब हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं और उनसे रिलेटेड अगर कुछ भी खर्चा होता है, जैसे कि हम मशीन को इंस्टॉल कराते हैं फैक्ट्री में, या फिर मशीन को लेकर आने के लिए हमने कुछ किराया भी दिया होगा, समझ रहे हो, मतलब मान लेते हैं किसी बड़ी वैन में या बड़ी ट्रक में रख के आई है वो मशीन, तो हमने उसका कैरेज वगैरह भी पे किया होगा, है ना। तो जितना भी खर्चा मशीन को लाने के टाइम पर या मशीन को जब तक इंस्टॉल कराते हैं जब तक के टाइम पर जो भी कुछ उसके ऊपर एक्सपेंस हुआ है वो सारा हमारा मशीन अकाउंट में जाए। मान लेते हैं लिखा हुआ है कि हमने इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे की थी, नॉर्मली वेजेस पे करने की क्या एंट्री होती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये नॉर्मली होती है। अगर हम किसी को वेजेस पे करते हैं तो हम वेजेस अकाउंट डेबिट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, बट जब हम मशीन इंस्टॉल कराने के लिए वेजेस देंगे तो हम वेजेस को डेबिट ना करके हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, तो मशीन अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर मैं उसको वेजेस में डाल देती हूँ तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। मैंने इसमें डिफरेंस भी बताया था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्लियर है? Yes, ma'am. ये इस एरर ऑफ प्रिंसिपल में तुम्हें कुछ इस टाइप की मिस्टेक्स नजर आएंगी। तो करते हैं क्वेश्चन, कुछ कंसेप्ट हमारे क्वेश्चन करके क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा है, ₹15,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। हमने ऑफिस बिल्डिंग बनाई थी और हमने उसके लिए वेजेस पे की थी। क्या बनाई थी हमने, देखो बिल्डिंग बनाई थी, तो बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना मतलब बिल्डिंग के ऊपर खर्चा करना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। बिल्डिंग तुम डेली तो बनाओगे नहीं, आज भी बना रहे हो, अब से 10 साल बाद तक, मतलब एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट हो गई ना बिल्डिंग में। तो बिल्डिंग पे, बिल्डिंग बनाने के लिए जो तुमने वेजेस पे की है
वो तुमने कहां पर डाल दी, लिखा हुआ है डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट, हमने उसको कौन से अकाउंट में डाल दिया, सैलरी अकाउंट में डाल दिया, मतलब कि हमसे देखो मिस्टेक क्या हुई है। अगर मैं करेक्ट एंट्री की बात करूं या रॉन्ग एंट्री की बात करूं तो हमने देखो क्या कर दिया, हमने वेजेस पे की थी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, तो हम यहाँ पर एंट्री पास करते बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, हमें उसको बिल्डिंग अकाउंट में डालना चाहिए था वेजेस को, टू कैश अकाउंट कितना 15,000, बट हमने उसको कहाँ डाल दिया, बिल्डिंग की जगह हमने उसको सैलरीज अकाउंट में डाल दिया, मतलब हमने बिल्डिंग की जगह कहीं ना कहीं सैलरी को डेबिट कर दिया, यानी कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लिया है एस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो अमाउंट में तो कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ अकाउंट में मिस्टेक है। तो देखो बिल्डिंग डेबिट हो गया जबकि सैलरी डेबिट हो गया जबकि एक्चुअल में बिल्डिंग को डेबिट करना था, तो सही करने के लिए क्या करेंगे हम, सैलरी को क्रेडिट कर देंगे, सैलरी को क्रेडिट कर देंगे और बिल्डिंग को बिल्डिंग डेबिट डेबिट कर देंगे 15,000। रेक्टिफिकेशन चैप्टर बहुत इजी है अगर हमें करेक्ट और रॉन्ग एंट्री का समझ में आ जाता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, मैम अकाउंट्स की क्लास ऑफलाइन नहीं होती, अकाउंट्स की अभी ऑफलाइन नहीं है। हाँ एक्चुअली मैं नोएडा में नहीं हूँ, अभी मेन प्रॉब्लम ये है। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं, लेकिन yes. तुम्हें कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी है तो तुम मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। लिखा हुआ है ₹20,000 स्पेंट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी तुम्हें करेक्ट और रॉन्ग एंट्री इजीली समझ आ गई होगी, हमने बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल परचेज किया था, तो देखो बिल्डिंग बनाने के लिए हमने कुछ भी खरीदा होगा ना, यानी कुछ भी खर्चा होगा, वो सब बिल्डिंग अकाउंट में जाना था, लेकिन हमने उसको कहाँ पर डाल दिया, परचेज अकाउंट में डाल दिया, मतलब हमने परचेज अकाउंट एज अ गुड्स ट्रीट कर लिया। देखो परचेज अकाउंट हम डेबिट कब करते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर मैंने परचेज को बिना मतलब डेबिट कर दिया, तो सही करने के लिए क्या करूंगी, जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर देंगे, यानी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे और परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। क्या मुझे इसमें करेक्ट और रॉन्ग एंट्री लिखने की जरूरत है? नो मैम, ना हो जाएगा इजीली। देखो जर्नल एंट्री में ना एक बेसिक सी बात तुम्हें हमेशा पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक सी चीज है ये, मैं बता देती हूँ एक बार। देखो एक तो हमें गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट्स इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक तो बच्चे इस पॉइंट की वजह से ही करते हैं कि यही चीज में डिफरेंस नहीं पता होता, ये अलग चीज होती है और ये इनमें आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए कि क्या चीज हमारे लिए गुड्स हैं और क्या चीज हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो देखो गुड्स तो वो होते हैं जिनको हम इन फ्यूचर सेल करने वाले हैं, जो कि हमने परचेज ही इसलिए किए हैं क्योंकि हमें उनको इन फ्यूचर सेल करना है, यानी कि हम जिस चीज का बिजनेस करने जा रहे हैं, किसी के लिए मशीन हो सकता है गुड्स है और किसी के लिए वही मशीन फिक्स्ड एसेट हो सकती है, डिपेंड करेगा उसके यूज पर। अगर तुमने कुछ सामान ऐसा खरीदा है जो कि तुमने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है, जिसकी हेल्प से तुम बिजनेस करने जा रहे हो, जैसे कि तुमने कंप्यूटर्स खरीदे, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करूं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी हम ले लेते हैं, एग्जांपल हमारा बिजनेस है कपड़े बनाने का, मान लेते हैं हम रॉ मटेरियल में हम परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल क्या होगा कपड़े बनाने के लिए, हम वही थ्रेड और जो वैसा कपड़ा होगा, मतलब जो भी अलग अलग टाइप के हम फैब्रिक परचेज करते होंगे, फिर उनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू क्या रेडीमेड गारमेंट्स में, हम उनको मतलब रेडी टू यूज हो जाते हैं एक तरीके से, वो समझ रहे हो, मान लेते हैं हमने कुछ कपड़ा खरीदा और उसको स्टिच करके कन्वर्ट कर दिया इनटू अ सूट,
नॉर्मल कपड़ा था, तो मैंने जो वो कपड़ा खरीदा था, जो मैंने रॉ मेटीरियल ये परचेज किया है, ये सब मेरे लिए क्या है, गुड्स हैं। क्या है ये मेरे लिए? गुड्स, क्योंकि इनको मैं कन्वर्ट करके इन फ्यूचर सेल करने वाली हूँ। ये चीज हमारी सब सेल हो जाएगी, चाहे वो सेम उसी फॉर्म में सेल हो या फिर वो कन्वर्ट करके हो, समझ रहे हो? लेकिन इनको बनाने के लिए जब हमने कन्वर्ट किया इनटू अ रेडीमेड गारमेंट, तो हमने उसको उसके लिए कुछ फिक्स्ड एसेट्स यूज किए होंगे, हमने कुछ मशीन्स खरीदी होंगी। तो मशीन्स हमने सेल करने के लिए नहीं खरीदी, हमने किस लिए खरीदी है? अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। तो जो जिसकी हेल्प से हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हमने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जिसको हम इन फ्यूचर सेल नहीं करने वाले, सेल करेंगे तो मजबूरी में ही सेल करेंगे, या तो वो खराब हो जाएगी इसलिए, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हमें पुरानी वाली मशीन्स को सेल करना पड़ जाएगा, मतलब एक मजबूरी होगी उनको सेल करना। वो चीजें हमारे लिए होती हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। जब हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं, तो परचेज करने के टाइम पर हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, और अगर हम उनको सेल करेंगे तो हम सेल्स अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सेल्स हमारी इनकम है, इनकम के अकाउंट क्रेडिट होते हैं, और परचेज हमारा एक टाइप का एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। लेकिन अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज या सेल करते हैं, तो जब हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे, मान लेते हैं हमने मशीन परचेज की, तो मैं मशीन अकाउंट डेबिट करूंगी, ना कि परचेज अकाउंट। समझ में आ रहा है डिफरेंस? और जब मैं इस मशीन को सेल करूंगी, तो मैं मशीन अकाउंट ही क्रेडिट करूंगी, मतलब मैं इसी मशीन को क्रेडिट कर दूंगी जब हम इसको सेल करेंगे। जब हम इसको परचेज करेंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा, जब हम मशीन को सेल करेंगे तो हम मशीन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ना कि सेल्स अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट कब होता है? जब हम गुड्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर फिक्स्ड एसेट्स हैं तो उनको उनके नाम से डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। डिफरेंस समझ में आया? तो मेन चीज होती है गुड्स में, और तुम्हें फिक्स्ड एसेट्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल और लेती हूँ। मान लेते हैं जिस मशीन की हेल्प से, जैसे जो ये स्टिच करने वाली मशीन आती होगी, स्टिचिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन किसी बिजनेस के लिए तो फिक्स्ड एसेट हो सकता है, और किसी बिजनेस के लिए ये गुड्स भी होंगे। समझ रहे हो? जो स्टिचिंग मशीन सेल कर रहा होगा बंदा, जिससे हम स्टिचिंग मशीन परचेज करके लाए होंगे, उसके लिए तो वो गुड्स है, क्योंकि उसने तो मशीन बनाई ही इसलिए है क्योंकि उसको सेल करनी है। समझ रहे हो? तो वही सेम आइटम किसी के लिए गुड्स हो सकता है, और वही सेम आइटम किसी दूसरे बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट हो सकता है। देखा जाएगा उसका पर्पस क्या है। क्लियर है ये चीज? तो जिसके लिए वो गुड्स है, वो तो अपनी बुक्स में परचेज और सेल्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेगा, और जिसके लिए वो फिक्स्ड एसेट्स है, वो अपनी बुक्स में उस पर्टिकुलर मशीन को डेबिट या क्रेडिट करेगा। यस मैम। डिफरेंस समझ में आया? तो ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जहां लिखा देखा परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, लेकिन परचेज हुआ क्या है वो चीज देखो। ठीक है? यस मैम। तो हम यहाँ पर कौन से पॉइंट पर थे? थ्री, पॉइंट नंबर थ्री था हमारा। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है 50,000 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। देखो बिल्डिंग की रिपेयरिंग नॉर्मली कराई जाती है। अगर हम रेगुलर रिपेयरिंग करा रहे हैं, जैसे कि एवरी ईयर, जैसे कि पेंट वगैरह होता है घर में, तो हम कई बार क्या होता है कि एवरी ईयर करा लेते हैं कि थोड़ा ठीक हो जाएगा, रिनोवेट हो जाएगा। अगर एक नॉर्मल रिपेयर होती है तो हम उसको रिपेयर अकाउंट में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बिल्डिंग को एक्सटेंड कराया था, बिल्डिंग का एक्सटेंशन हुआ है, यानी कि बिल्डिंग का कुछ पार्ट और हमने बढ़ा दिया। थोड़ी पहले कुछ पार्ट में थी, कुछ एरिया में थी बिल्डिंग, और उसका थोड़ा सा एरिया हमने इंक्रीज कर दिया, तो एक्सटेंशन हुआ है, तो वो हमारा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो हमें उसको कहाँ पर डालना चाहिए था? बिल्डिंग अकाउंट में ही डालना चाहिए था, क्योंकि वहां पर एक्सटेंशन हुआ था, ना कि नॉर्मल रिपेयर। तो हमें एक्चुअल में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने डेबिट क्या कर दिया? बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। हमने उसको ट्रीट कर लिया जैसे कि हमने रिपेयरिंग कराई, बट वो रिपेयर नहीं था। समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पर भी हमने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे? जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे, और रिपेयर अकाउंट, जो हमने रिपेयर डेबिट कर दिया उसको हम
क्रेडिट कर देंगे अमाउंट कितना है. तो ये प्रिंसिपल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये सिंपल होते हैं. 50,000. क्लियर है? यस मैम. आगे देखते हैं. ₹25,000 स्पेंट ऑन व्हाइट वॉश ऑफ न्यू बिल्डिंग वॉज चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट. देखो बिल्डिंग के लिए यहाँ पर नॉर्मली अगर व्हाइट वॉश होता तो वो बिल्डिंग रिपेयर में जाता, लेकिन यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया है व्हाइट वॉश ऑफ न्यू बिल्डिंग. जब बिल्डिंग नई नई बनाई जा रही थी तो उसमें कुछ भी खर्चा होगा ना, वो सब बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा. समझ रहे हो डिफरेंस? समझ में आ रहा है? एक न्यू बिल्डिंग थी, अभी हम बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम तो व्हाइट वॉश होना ही है. तो जो फर्स्ट टाइम सब कुछ होना है ना उस बिल्डिंग में, वो सब बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा. लेकिन जो तुम एवरी ईयर व्हाइट वॉश कराओगे वो तुम्हारा रिपेयरिंग में जाएगा, क्योंकि वो तो एक रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस हो जाएगा, वो तो तुम्हें कराना ही पड़ेगा. क्लियर है? तो यहाँ पर लिखा हुआ था न्यू बिल्डिंग का व्हाइट वॉश हुआ है तो हमें करना, मैं सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देती हूँ. क्या एंट्री होगी हमारी? यही सेम ऊपर वाली एंट्री बन जाएगी. जो डेबिट होना चाहिए था उसको हम डेबिट कर देंगे. यहाँ पर इन्होंने देखो बिल्डिंग के ऊपर ही इतने पॉइंट दे दिए कि बिल्डिंग को लेकर सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना. टू रिपेयर अकाउंट 25,000. तो बस ये ध्यान रखना है, अगर हमने कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बनाते टाइम उसमें कुछ भी खर्चा आएगा वो सब बिल्डिंग में जाएगा, और रेगुलरली कुछ और होता रहेगा बार बार, हर एवरी ईयर जो कराते हैं खर्चा वो सब रिपेयर में जाएगा. यस मैम. आगे हमारे ये मशीन के और वैसे पॉइंट है, तो कंप्लीट करा दो इस क्वेश्चन को या नेक्स्ट में कर लेते हैं वैसे, क्योंकि ना एक तो बेचारे सारे बच्चे एब्सेंट हैं, सबके लिए लंबा हो जाएगा बहुत. क्योंकि ये और अलग पॉइंट आ जाएंगे मशीन के, तो एक टाइप के हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए. yes, तो तुम इसको ट्राई करना, और जितने क्वेश्चंस ना तुम ट्राई करना कि इलस्ट्रेशंस तुम सॉल्व कर लो, क्योंकि ये तो मैंने मोस्टली करा ही दी, इनको रिवाइज करके ना इलस्ट्रेशन सॉल्व करने की कोशिश करना. ओके मैम. ठीक है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा. यस मैम. मैम अकाउंट्स की क्लास भी मंडे वेंसडे फ्राइडे होती है ना? हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेती हूँ, वो मैं पहले ही इन्फॉर्म करती हूँ. ठीक है? ओके. या कभी कभी कोई डे मान लिया कहीं जाना पड़ गया, इमरजेंसी आ गई, तो वो चेंज कर देती हूँ कभी कभी. वो कभी कभी होता है जरूरत पड़ने में. वैसे नॉर्मल टाइम हमारा यही है MWF 4 PM. ओके ठीक है, चलो बाय बाय बाय.